आज हम सब लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं और बहुत सारे मोबाइल यूज करते हैं, तो एक जो ह्यूमन टच होता है वो बहुत ज्यादा मिस होता जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे अनजाने लोग होते हैं जो अचानक हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हम कितनी भी टेंशन में होते हैं अचानक हम उस जगह से डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ अच्छे से मूड में आ जाते हैं। तो वो सोशल कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, मैं कुछ ऐसा ही बता रही हूँ। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है अनकहे फरिश्ते। बचपन में एक बूढ़ा सा व्यक्ति देखती थी, बचपन में एक बूढ़ा सा व्यक्ति देखती थी जो पार्क के एक कोने में हर आने जाने वाले को राम राम कहता था। कोई जवाब दे देता, कोई मुस्कुरा देता, कोई सर हिला देता और कोई नजरअंदाज कर जाता, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका अंदाज सबसे निराला था, उसका अंदाज सबसे निराला था। यूं ही किसी को रास्ते में उदास देखता तो कह उठता, मुस्कुराओ भाई, यूं ही वक्त निकल जाएगा। मुस्कुराओ भाई, यूं ही वक्त निकल जाएगा, अच्छा समय फिर आएगा। उसका किसी से कोई रिश्ता भी ना था, उसका किसी से कोई रिश्ता भी ना था, लेकिन मेरी नजरों में वो फरिश्ता था। अब सोचती हूँ कहाँ गुम हो गए वो फरिश्ते जो चलते हुए मुसाफिरों के दिल का हाल जान लेते थे, जाने अनजाने जिन्हें देखकर लोग मुस्कुरा देते थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी हर राहगीर की आंखें उसे ढूंढती थीं, जो अनकही बातें भी समझ जाता था। जाने कहाँ गए वो अनकहे रिश्ते, वो छुपे हुए फरिश्ते, वो छुपे हुए फरिश्ते। मेरे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स है ना, प्यार की बहुत सारी डेफिनेशन सुनती हूँ मैं, तीन बार से आ रही हूँ तो रेगुलरली सुन रही हूँ। तो मैं कुछ प्यार को ऐसे डिफाइन करूंगी, शायद आप लोग अच्छे से समझ पाए। प्यार कोई शर्त नहीं, प्यार कोई शर्त नहीं, प्यार कोई बंधन नहीं, प्यार कोई कैद भी नहीं। ये स्वतंत्रता है एक दूसरे को व्यक्त करने की, समझने की, परखने की। ये कोई अनुमान भी नहीं, ये एक विश्वास है कि कोई कितना भी दूर हो फिर भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारे पास है। प्यार कोई शब्द भी नहीं, प्यार कोई शब्द भी नहीं, एक ख्याल है, एक आस है। चार कदम संग चल सको तो चलो, रुक जाओ या थम जाओ, रुक जाओ या थम जाओ। हर समय आसपास होने का एहसास है, हर समय आसपास होने का एहसास है। सब दायरों से परे है इसका दायरा, सब दायरों से परे है इसका दायरा। ना कोई उम्र ना कोई आकर्षण, ना कोई उम्र ना कोई आकर्षण। ये सदा साथ रहने का समर्पण, ये भावनाओं का लेन देन भी नहीं, ये भावनाओं का लेन देन भी नहीं। कभी कभी एक तरफा भी हो सकता है। यह एक खामोश प्रार्थना है जो सदा प्यार करने वाले के साथ है। यह एक अनमोल एहसास है जो सदा आसपास है, जो सदा आसपास है।